हे फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मर्जुल मौत, जो हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबको पता है कि मर्ज का मतलब होता है डिजीज और मौत का मतलब होता है डेथ। मतलब कि किसी इंसान को पता है कि इस डिजीज के वजह से उसकी मौत हो सकती है, तो इस केस में वो पर्टिकुलर आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट विल या वक्फ कर सकता है। शादी होती है मर्जुल मौत के टाइम, मतलब कि उसको पता है कि उसको डिजीज़ है, फिर भी वो शादी करता है और उसके बाद मैरिज कंज्यूमेटेड हो जाता है, तो शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी, और अगर कंज्यूमेटेड नहीं होता है तो नॉट वैलिड गाइज। ओके, तो यही डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसेंशियल्स ऑफ मर्जुल मौत। पहला है प्रीपोंडरेंस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, दूसरा है एक्सटर्नल इंडिका, तीसरा है इवेंचुअल डेथ। तो एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे डीपली। मतलब आदमी को इलनेस की वजह से एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि उस डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन अगर पेशेंट को लग रहा है कि वो बच सकता है, तो वो जो अगर किसी को गिफ्ट करता है उस सीन में कि वो बच भी सकता है, तो वो मर्जुल मौत गिफ्ट नहीं होता। नंबर टू इज एक्सटर्नल इंडिका। Now there must be some external indication which must also reveal the proximate danger of death. For example, a person isn't capable of carrying out his physical activities, like वो prayers नहीं कर पा रहा है, physical activities नहीं कर पाता है, तो वो externally show हो जाता है। Third is eventual death. वो disease ऐसी होनी चाहिए जो death को reveal करे। एक case law देखते हैं, शमशेद अली शाह वर्सेस हसन शाह। इसमें एक ओल्ड वुमेन थी 65 इयर्स की, जिसकी डेथ हो जाती है बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। उस समय उसको पता चल चुका था एक्सटर्नली कि वो वीक है, बीमार है, और उसकी डेथ हो सकती है अब तक, इसीलिए उसने अपना सारा प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दिया। तो वो हो गया मर्जुल मौत, क्योंकि मर्ज मतलब डिजीज और मौत मतलब डेथ। तो इस वक्त उस ओल्ड वुमेन को पता था कि वो मरने वाली है, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये बन जाएगा मर्जुल मौत के टाइम पे गिफ्ट करना, वसीयत करना या वक्फ करना। वन थर्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम नहीं गिफ्ट कर सकते किसी को भी। विल में भी वही चीज़ है कि आप वन थर्ड से ज़्यादा किसी को भी नहीं दे सकते। टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।